10 साल से ही मामला चल रहा है, बिगड़ा हुआ था, पुलिस से भी नहीं सुधर पाया था, पुलिस केस भी हुए थे, कहीं भी नहीं सुधर पा रहा, पंचायतों से भी नहीं सुधर पा रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का कि जो इन्होंने आज ये मामला सुलझा दिया है और नीतू ने सेवा करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 में सिया सच के साथ। दोस्तों, एक मुद्दा है जो काफ़ी वायरल है और कई वीडियो जो है आपने लगातार देखी हैं। आप दोनों जो शख्स जो हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा 1008 पर, आप देख कर समझ भी गए होंगे कि ये मामला कौन सा है। ये वही मामला है जो वेद प्रकाश जो हमारे साथ जो मौजूद हैं और इनकी जो पत्नी है नीतू, जिनको जो है वेद प्रकाश ने जो है आरोप जो लगाए थे एक वीडियो में कि उनकी पत्नी जो है वो किन्नर है, और वो जो सारे जो आरोप जो इन्होंने इसकी इनके ऊपर जो लगाए थे वो नीतू ने मान्य भी हैं। वो पहली वीडियो आपने देखी होगी, अगर ना देखी हो तो हरियाणा 1008 पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है इनकी जितनी भी इस मामले की पहली वीडियो आई है वो भी इसमें है, लेकिन यह वीडियो जो है आप पूरी देखियो, क्योंकि इसमें जो है फिलहाल जो भी इनका जो झगड़ा था वो जो है कई मीडिया चैनल जो हमारे यहाँ पे पहुँचे थे सभी ने जो है इनको बैठ कर समझाया, इनके दोनों पक्षों से, इनके रिश्तेदार भी, वेद प्रकाश के जो घरवाले भी और नीतू के जो है इसके भी जो दो चार जो है रिश्तेदार वो भी यहाँ पे पहुँचे थे, आपस में जो है समझा बुझा गए। पहली वीडियो में जो आपने देखा था नीतू जो है मना कर रही थी माँ बाप की सेवा करने को, वेद प्रकाश कह रहा था कि भाई माँ बाप की सेवा करेगी तो मैं रखूँगा, और ये कह रही थी कि मैं माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो वीडियो आपने देखी और माँ बाप जो है किस हालत में जो रह रहे हैं वो भी आपने देखा, तो भाई सारी बातें देखते हुए जो परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, मीडिया वालों ने, सब ने जो है बैठकर ने समझाया और वो कह आकर आदमी की जो बुद्धि जो भ्रष्ट होती है और बाद में जो है वो उसका जो अगर मैल किसी के समझाने से वो निकल जाए तो भाई अच्छी बात है, मामला जो है कोर्ट कचहरियों तक ना जाए, घर परिवार में मामला सुलझ जाए। तो भाई के कुछ जो इसमें निकल का आया है वो सारा जो है यह वीडियो देखने में आपने बेरा लग जाएगा। राम राम जी। राम राम भैया। एक बार फिर से हरियाणा 1008 को आपका स्वागत है। आप बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते, पहले ये बताइए मुझे। मैं समझती नहीं भैया, अचानक से क्या बोल जाते हो आप। जी जी जी, ये बात है कि जो बोली है वो आप समझ नहीं पाते। चलो ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो आप जब भी थोड़ी देर पहले जो पिछली वीडियो में आप मना कर रहे थे, वेद प्रकाश कह रहा था कि माँ बाप की सेवा करेगी तो मैं रखूँगा, आप मना कर रहे थे, जो है पूरे परिवार ने जो बैठ कर समझाया है, क्या कुछ आपने निर्णय लिया है समझाने से? मैंने ये बोला था भैया मन की सेवा करूँगी सास ससुर की बड़ी खुशी से। ये निर्णय लिया है अभी आपने? हाँ जी। ये आपका फैसला पक्का फैसला है? हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया को कल को फिर यहाँ पे इनके कहने से फिर चक्कर काटने पड़े? नहीं आना पड़ेगा भाई। पक्की बात है? हाँ पक्की बात। हाँ भाई वेद प्रकाश। थैंक यू जी। सर मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आप हमारे घर पे आए, स्वागत करता हूँ आपका। सर अभी जैसे कि हमारा मामला चल रहा है, हमारी वीडियो वायरल हुई, इनकी जो कमियाँ थी, जो मैंने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जो मैं गलत तो था नहीं, जो भी है इन्होंने हाँ करे हैं, स्वीकार कर लिया। तो सर जैसे कि आप पंचायत ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने मेरे को समझाया है, सभी की बातें मैंने माननी है। चलो कोई नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन की है, कब क्या हो जाए, दिन रात सड़क पे चलते हैं हम, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सभी का कहना माना है कि इसको फिर मैं इसको चौथा मौका दे रहा हूँ, चौथी गलती माफ़ कर रहा हूँ, मैं इसको फिर रखने के लिए तैयार हूँ, इसकी गलतियाँ माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप की बात आ रही थी सेवा की, मेरे माँ बाप की ये सेवा करेगी, मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरा सुख प्यार सब ठुकरा दिया, इससे की पीछे की गलतियाँ सब ठुकरा दी, मैंने सब माफ़ कर दिया है, लेकिन इसको मैं फिर रखने के लिए तैयार हूँ। आगे ऐसा काम ना करे ये कि मेरे माँ बापों को दुख देखना पड़े और मेरे को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। मैं मीडिया को भी दोबारे ला सकता हूँ, मैं कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता हूँ, अगर ये हरकतें करेगी तो दोबारे वो पहले वाली, मैं इसकी पीछे की सारी हरकतें, सारी गलतियाँ सब माफ़ कर दी आज से। ये मेरे साथ रहे, मैं कमाऊँगा, ये घर पर रहे, अपने माँ बाप की सेवा करे, मैं रखने के लिए तैयार हूँ इसको। नहीं तो देखिए, जो स्थिति जो है आपके जो सास ससुर की है, क्या लगता है आपको कि मतलब माँ बाप को इस तरह से रखना चाहिए? भैया मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं तो खुद ही बाहर थी, तो मेरे को क्या पता वो अपने मन से गए थे या किसी ने निकाला था, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं थी यहाँ पे। वेद प्रकाश किसने निकाला उनको घर से? देखो मैं अभी पिछले हफ्ते आया था घर पे, तो मेरा जो मकान है ये
इसमें मेरा ये मैंने बना रखा है, तो इसमें मेरा बड़ा भाई रहता है, उसको डिलीवरी होने वाली थी तो वो बाहर रहता था किराए पे नॉर्मल। तो मैं बोला कि भाई तू डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, तू घर पे चला जा। तो मैंने 2 साल से मेरे माँ बापों को दे रखा था कि मैं बाहर रह रहा था 2 साल से, नीतू भी चली गई थी यहाँ से, तो मेरे माँ बाप रह रहे थे इसमें, मैंने उनको लिए खोल के दे रखा था ये। तो उसमें क्या किया कि अब डिलीवरी होने वाली थी तो ये आ गए, माँ बाप भी यहाँ रह रहे थे, वो भी यहाँ रह रहे थे। अब पिछले महीने इसका कुआ पूजन का प्रोग्राम था, मैं सारा करके गया प्रोग्राम, उसके बाद में इनका भी मैं पिछले हफ्ते आया जब कोई झगड़ा झुगड़ा हो गया था इनका, फिर मैं आया जब मैं ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए माँ बापों को मैं बोल गया कि भाई तुम उधर जो अपना गुआड़ा है उसमें रह लो पहाड़ की तरफ, तो अब कम से कम लड़ाई तो शांत हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन रहोगे तो फिर देखता हूँ मैं अपने साथ ले जाऊँगा या तो, या फिर तुम्हारे लिए मकान मकून बना के व्यवस्था करूँगा, भाई बड़ा नहीं बनेगा तो मैं तुम्हारे लिए छोटा ज़रूर बनाऊँगा। तो मैं इसलिए उनको थोड़ा लड़ाई बुझाने के लिए, लड़ाई को शांत करने के लिए उनको मैंने उधर रखा था, और इसलिए फिर मैं आज आया हूँ मीडिया के सामने। और ये नीतू भी आई है, ये अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार कर रही है, हर चीज़ की वो कर रही है, चलो ये स्वीकार कर रही है तो मैं दोबारा इसको 4थी बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन 5वीं बार माफ़ नहीं करूँगा। तो नीतू मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो है अब ये जो इतनी देर जो है काफ़ी देर मसला जो ज़्यादा चला है, कई वीडियो भी आई हैं, कई बार आप मना कर रहे थे, कई बार ये मना कर रहे थे, झगड़ा जो है बढ़ता जा रहा था, अब दोनों तरफ के जो है रिश्तेदारों को लेकर और मीडिया वालों को लेकर जो है एक जो ये बैठक जो हुई है अभी, इसमें जो जो निर्णय जो जो लिया गया है उससे आप खुश हैं या नहीं हैं, या मतलब वैसे ही ऊपर वाले जो मन से आप कह रही हैं? नहीं भैया, मैं बड़ी कोशिश बोली थी, बड़ी कोशिश कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो भाई वेद प्रकाश जो है अब ये बिल्कुल मान रही हैं, तो मामले को जो है क्लोज करते हैं, और आपसे भी मेरा निवेदन है भाई माँ बाप को जो है उस स्थिति में ना रखें। मजबूरी एक अलग चीज़ है, देखिए मजबूरी अलग चीज़ है, मैंने पहली वीडियो में भी कहा है भाई झोपड़ी पट्टी में भी लोग रहते हैं, लेकिन आप ठीक है आप अच्छे परिवार से हो, आप भी बाहर रह रहे हो और घर भी है, पक्का मकान भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए जो है माँ बाप इस तरह से बाहर रह रहे हैं, वो एक समाज में जो है मैसेज गलत जाता है। तो आप जो है इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दें और इस मामले को भाई ये जो मामला आपका ये तो जो है सुधर गया है, इसमें जो है जो मीडिया वाले जो आए हैं उनका किस तरह से धन्यवाद करना चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? देखो मैं तो जितने भी मीडिया है सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये मामला बिगड़ रहा था, 10 साल से ही मामला चल रहा है, बिगड़ा हुआ था, पुलिस से भी नहीं सुधर पाया था, पुलिस केस भी हुए थे, कहीं भी नहीं सुधर पा रहा, पंचायतों से भी नहीं सुधर पा रहा था। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का कि जो इन्होंने आज ये मामला सुलझा दिया है, और नीतू ने सेवा करने का भी हाँ कर ली है और तरीके से रहने की हाँ कर ली है, हमने भी अपने वचन पूरे निभाने का प्रयास करेंगे कि हमने जो वचन दिया है इसको साथ रखेंगे, इसकी सारी गलतियां माफ़ कर दी हमने और मैं इसको साथ रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी किस्मत में जो होना था वो हो गया है और मैं इसको कभी भी दुखी नहीं रखूंगा, लेकिन यह मेरे माँ बापों की सेवा करे बस, मैं तो यही चाहता हूँ।